अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ वापस अपने न्यू व्लॉग के साथ। तो जी, यह है सुबह का टाइम और मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिन बाद आज मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है घर में कुंडे, तो ये कुंडों की ही तैयारी हो रही थी। यहाँ पर मेरी चाची जो है वो बस कुंडों की तैयारी कर रही थी, मतलब कुंडे जो होते हैं वो मीठी पूरी को कहते हैं, मीठी पूरियां बनती हैं उसे कुंडे कहा जाता है। जिनके घरों में होते होंगे उन्हें पता होगा। तो ये तो छोलों की तैयारी हो रही थी, मतलब जो चटपटे छोले वगैरह बनते हैं ये उसकी तैयारी हो रही थी। और मेरी आंटी, मतलब मेरी चाची, मैं उनको आंटी कहती हूँ, वो तैयारी वगैरह कर रही थी। और यहाँ भी हो चुकी थी मज़े मज़े की खीर रेडी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं क्या यम्मी खीर लग रही है, बहुत ही मज़े की थी वैसे ये खीर। मुझे वीडियो में देखकर दोबारा से याद आ रही है। खैर, तो कुंडों में बस यही सब होता है, मीठी पूरियाँ होती हैं और छोले वगैरह, खीर, जो भी लोग बनाना चाहें वो बनाते हैं। जिनके घरों में होता होगा, जिनके घरों में ये न्याज होती होगी उन्हें पता होगा कि कुंडे क्या होते हैं, ये किस चीज़ की न्याज होती है। तो बस जी, यहाँ खीर वगैरह भी सब रेडी हो गई थी और यहाँ एज यू कैन सी मेरी हरकत है कि बस खीर वगैरह आंटी ने बाउल में कर दी थी और उसके बाद जो ये एंड की बच जाती है तो उससे मैं खा रही थी, क्योंकि जो एंड की खीर होती है ये बहुत मज़े की रहती है। और ये शुरू से ही आदत है हम लोगों में कि जब खीर बाउल वगैरह में कर दी जाती है सेट वगैरह, उसके बाद ये जो एंड की खीर बचती है उससे हम लोग खाते हैं और इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। जो भी अगर ऐसी हरकत करता होगा, शायद ही कोई करता होगा ऐसी हरकतें फ़िलहाल, तो उन्हें पता होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बस ये हरकतें हम लोग कर रहे थे, इस तरह से खीर वगैरह खा रहे थे मैं और निदा। तो यहाँ खा चुके हैं हम अपनी खीर। तो टाइम हो रहा है 12:30, ये टाइम हो रहा है और आज जुम्मा भी है तो नमाज का टाइम भी होने वाला है। तो नमाज के बाद स्टार्ट हो जाएंगे कुंडे, मतलब लोग वगैरह आना शुरू हो जाएंगे कुंडे वगैरह खाने, मीठी पूरी वगैरह। सो गाइस, यहाँ आ चुका है न्याज का टाइम और पापा न्याज दे रहे हैं कुंडों पर। तो हम लोगों ने बाहर से ही मंगवाई थी मीठी टिकिया, इन्हें मीठी टिकिया भी कहा जाता है, कुंडे भी कहा जाता है, मीठी पूरी भी कहा जाता है। और ये रजब के महीने में ही होती है ये न्याज, और हम ये कुंडों की न्याज हर साल करते हैं, हर साल हमारे घर ये कुंडों की न्याज होती है माशाल्लाह से। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कुंडों की न्याज अपने घर करते हैं या नहीं, और किसके घरों में ये न्याज वगैरह होती है। तो बस यहाँ छोले भी रेडी हो चुके थे जो कि मेरी चाची ने बनाए थे, और मुझसे तो बिल्कुल भी फिर सब्र नहीं हुआ क्योंकि उनके हाथ के छोले मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनाती हैं, बहुत स्पाइसी चटपटे बनाती हैं। तो बस जी, मैंने तो किसी का इंतज़ार नहीं किया, मैंने बस अपने लिए छोले निकाले और मैं खाना स्टार्ट हो गई क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद हैं ये चटपटे छोले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब आती है मीठी टिकिया की बारी, जो कि हम लोगों ने बाहर से मंगवाई थी, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट की तो ये बिल्कुल भी बाहर की नहीं लग रही थी, ये बिल्कुल घर जैसा टेस्ट ही था इसका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, टेस्ट में बहुत खस्ता थी। तो बहुत सबको बहुत पसंद आई थी, जो जो लोग कुंडे वगैरह खाने आए थे ये मीठी टिकिया वगैरह, तो सब ने ही बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी है ये मीठी टिकिया वगैरह, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये है कुंडों की न्याज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें खीर छोले मीठी टिकिया वगैरह ये सब ही है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए और अल्लाह पाक अपनी बारगाह में हमारी ये कुंडों की न्याज कबूल फरमाए, आमीन। और जो जो लोग ये न्याज करते हैं उन सब की इस कुंडों की न्याज को कबूल फरमाए, आमीन। तो बस ये है, कैसी है मीठी पूरी, अच्छी है? अभी तो खाई नहीं उसने, डर के मारे।
और ये हमारे मोहल्ले के क्यूट क्यूट बच्चे जो कि हमारे घर कूंडे खाते आए थे और इनके साथ बहुत मज़ा आया। जब मैंने कैमरा ऑन किया तो ये लोग खाना ही छोड़ दिया था, इन लोगों ने खाना ये लोग बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे कुछ भी। तो खैर मैंने इन लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। तो बस जी व्लॉग इतना ही था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना मत भूलना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो बस जी ये छोटा सा ही व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।